हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीत सिंह आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे काइन मास्टर से कैसे एडिटिंग करें। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा काइन मास्टर की A to Z सेटिंग बताई है और कैसे एडिटिंग करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए। तो मैं अपना काइन मास्टर सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा काइन मास्टर ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। अगर आपका ओल्ड वर्जन है, पुराना वर्जन है, तो आपका अलग आ रहा होगा। अगर लेटेस्ट वर्जन है तो मेरे जैसा आ रहा होगा। आपको सिंपली सबका सेटिंग एक जैसा होता है, तो सिंपली आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दिया। आप आपको साइज सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट का, आपको किस किस हिसाब से आपकी वीडियो बनानी है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 लेना है। आपको अगर इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हैं तो 9:16 लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम में खाली वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो 1:1 लेना है। तो ऐसे आप फेसबुक में देख सकते हैं और फेसबुक पेज में भी देख सकते हैं और सिंपली फेसबुक के वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैंने 16:9 ले लिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे जैसे ही सेलेक्ट क्लिक करता हूँ वैसे आपको वीडियो सेलेक्ट करने के लिए कहता है। तो मैं वीडियो को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। तो मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली, आप देख सकते हैं ये वीडियो सेलेक्ट कर ली। अगर आपको ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो आपको सिंपली अपने दोनों फिंगर से आपको वीडियो पे ऐसे खींचना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं आप छोटी हो रही है। और ऐसे आप चाहे तो जूम करके बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं अपनी वीडियो के क्लिप को। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। अब आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, बैक करने का और यहाँ से बाहर जाने का और आपको सिंपली नेक्स्ट जाने में, और ये देख सकते हैं आप इतना। तो मैं टोटली आपको सारी A to Z सेटिंग बताता हूँ आपको कैसे क्या काम आती है। तो मैं सिंपली आपको पहले ऑडियो पे जाता हूँ। तो अगर आप ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो आपको अगर किसी चीज़ की रिकॉर्ड की हो आपने, यहाँ पे सिंपली आप रिकॉर्डर को भी लगा सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपको सिंपली ऐसे कट कर देना। तो आप जैसे देख सकते हैं कोई सी भी अगर आपको ऑडियो लगानी है अपनी फोटो या गैलरी से, तो आप सिंपली ऑडियो पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको गेट म्यूजिक पे क्लिक करना है, तो आप नेट ऑन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सिंपली। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही आप ऑडियो पे क्लिक कर देता हूँ आपको एक डस्टबिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड, आपको सिंपली इस पर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और आपको ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट पे आ रहा है, आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता जाएगा। तो आपको सिंपली अगर कोई ऑडियो गलत हो जाती है तो आप कट करके यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अगर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली स्टॉप पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऐसी ऑडियो बन के आ जाएगी। अब आपकी इस ऑडियो को आवाज़ तेज करना है तो आपको सिंपली हम ये वॉल्यूम का बटन दिख रहा होगा, वॉल्यूम के लोगो का, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देना। तो 200, तो मैं अभी आवाज़ 0 कर देता हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन सकें। तो आपको मैंने 0 करके सही पर क्लिक कर दिया। अगर आपको ऑडियो फिर से डिलीट करनी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और डस्टबिन पर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं डिलीट हो गए। अब आपको यहाँ पे एक मीडिया का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, तो मीडिया का ये काम होता है अगर आपको वीडियो आगे ऐड करनी है या आगे ऐड करनी है या पीछे ऐड करनी है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है। तो मैं जैसे ही आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये आगे ऐड हो गया। अगर आपको इसकी चलती हुई वीडियो को ऊपर ऐड करना है तो क्या करना होगा आपको, सिंपली आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको कर्सल को छोड़ देना है और आपको इधर ऐड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लाना है और लेयर, इस काम का काम होता है लेयर का। लेयर आपको किसी भी फोटो या वीडियो के ऊपर लेके आ सकती है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है और आपको स्क्रीन रिकॉर्डर कोई सी भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा लेयर और मीडिया का क्या अंतर है। अगर आपको मीडिया का यूज़ करना है तो आपको आगे या पीछे वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लेयर का यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली आपकी वीडियो के चलते हुए आप कुछ फोटो या वीडियो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे हो गया। मैं आपको बिल्कुल क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो आप सिंपली मैं इसकी आवाज़ थोड़ी बंद कर देता हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन सकें। तो अब मैंने प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं थोड़ा लेट लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों काम चल रहा है साथ में। तो आप देख सकते हैं वीडियो भी आपकी चलेगी और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर भी चलेगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले और स्टॉप करने का ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक कोने में आपको फ़ोन का ऐसे तीर का निशान दिखेगा, आपको इसका क्या काम होता है। आपको सिंपली इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपको लास्ट में भेज देगा। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लास्ट में भेज देता। अगर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने क्या क्या ऐड किया है। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, मैंने बस एक ये क्लिप ऐड किया है और एक वीडियो ऐड किया और ये, और आपको यहाँ पे कोने में वीडियो चलती हुई दिखेगी, आप देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन भी है, आप प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले होके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या है ऑप्शन, कहाँ पे ऐड है, कहाँ पे आपको कट करना है। अब आपको सिंपली कोई गलत हो जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पे बैक करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो आप सिंपली बैक भी कर सकते हैं।
और अगर आपको फिर से वही लेके आना है तो आपको यहाँ पे फिर से, यहाँ पे एक ऑप्शन है, फिर से आप लेके आ सकते हैं वो वीडियो। तो आप देख सकते हैं जो बैक किया मैंने और फिर से लेके आ गया, तो आप देख सकते हैं। अब ये आपको एक तीर का ऑप्शन दिखेगा बैक जाने का, तो आप देख सकते हैं सीधा बाहर आ गए काइन मास्टर से। आपको सिंपली यहाँ पे इस पे याला हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे हम एडिटिंग कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे रीनेम भी करने का ऑप्शन है, तो आप इसमें रीनेम कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही लिख देता हूँ APKD। मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं रीनेम हो गया, नाम चेंज हो गया। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आप फिर से वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर आपने एडिटिंग छोड़ी थी। तो आप देख सकते हैं इस साइड का आपको सब कुछ पता चल गया, और यह बाकी आपका ये किसी काम का नहीं है, और ये भी आपका किसी काम का नहीं है, ऑडियो ऑडियो आपका ये किसी काम का नहीं है, इसे कट कर देना है आपको। सिंपली आप यहाँ से स्टेप सीख गए। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लेयर का, इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे फंक्शन हैं। अगर पहला तो आपको पता चल गया मीडिया, अगर आपको किसी वीडियो की चलती हुई क्लिप में अगर आपको कुछ ऊपर ऐड करना, फोटो या वीडियो रिकॉर्डर ऑन करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक दिखेगा इफेक्ट, आपको इसमें इफेक्ट का क्या काम होता है। इफेक्ट का ये काम होता है अगर आपने कोई यूज़र आईडी, जैसा मैंने इस पर क्लिक कर दिया, बेसिक इफेक्ट पे क्लिक कर दिया और आपको सिंपली इस पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसका ये काम होता है। अगर आपको कुछ धुंधला या आपको यूज़र आईडी या अपना पासवर्ड छुपाना हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कुछ भी ब्लर हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लर का ये यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप अपनी जीमेल डाल लें या पासवर्ड डाल लें तो आपको दूसरे को दिखे ना, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइज़ के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसे बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, आपको दबाए रखना और ऐसे आप खींच सकते हैं, और ऐसे इस साइड से भी कर सकते हैं आप। अगर आपको बीच से कट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे कैची का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। बीच से कट करने के लिए आपको तीसरे पे क्लिक करना है। अगर आपको साइड से कट करना है तो मैं साइड से कट करके दिखाता हूँ। देखो साइड से कट कर दिया, अब फिर से मैं आपको इस साइड का कट करके दिखाता हूँ, अब आपको मैं बीच से कट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप बीच से मैंने कट कर दिया, तो ये ऊपर नीचे हो गया, तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ से ब्लर हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर आपको डिलीट करना हो तो सिंपली आपको दबाना और फिर आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे पेन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं अब आपके लिए यहीं पे रहेगा ऐसे, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सिंपली अनपेन करके डिलीट कर देता हूँ मैं सिंपली। आप यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे आप स्टिकर का, आपको स्टिकर पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे स्टिकर इतने सारे ऑफलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा शॉप जैसा आइकन बन के आया होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना और नेट ऑन करके आपको डाउनलोड कर लेना, जितना चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, तो मैंने ये बॉल ले लेता हूँ और सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे साइज आ जाइए, और आप इस तीर से आप देख सकते हैं ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको इसको घुमाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं आप, इस वाले पे क्लिक करना है आप, जैसे देख सकते हैं इस वाले पे क्लिक करके आप घुमा भी सकते हैं। तो और आप बड़ा छोटा करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और छोटा बड़ा करना है, और आपको ये सिंपली अगर कट करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हैं कट भी हो गया। अब आपको मैं पूरी वीडियो डिलीट करके अब आपको इस सही से PNG इमेज लगाना सिखाता हूँ आपको मोबाइल में। तो मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी, और आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको सिंपली मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कोई सी भी स्क्रीन रिकॉर्डर ले लेनी है, तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर ले लेता हूँ, तो मैंने याली ले ली, तो मैं इसकी आवाज़ हटा देता हूँ ताकि आपको मेरी क्लियर आवाज़ आए। तो मैंने अब इसको साइड में आपको साइड कर देना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक फ़ोन की जो आप कोई सा भी फ़ोन चला रहे हो, वीवो का या रियलमी का, तो आपको सिंपली गूगल पे जाके लिखना है रियलमी फ़ोन PNG इमेज, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेनी है, तो आपको देख सकते हैं ऐसी PNG इमेज होगी आपकी। तो मैं नीचे कर देता हूँ ये है, तो आप देख सकते हैं ऐसी PNG इमेज होगी। तो आप इस पर सही से सेट कर दें, इसे फिक्स कर दें आपको, ताकि किसी को पता ना चले आपने स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं एकदम फिक्स हो गया, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको मैं वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कैसे लगेगा आपको, तो आप देख सकते हैं आराम से अभी थोड़ा देख सकते हैं देख सकते हैं आप आराम से सही से स्क्रीन रिकॉर्डर, और आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अलग से फ़ोन से नहीं किया, आपके स्क्रीन रिकॉर्डर को PNG में ऐड किया। अब आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अपना लोगो वोगो, तो मैंने इस पर क्लिक किया, पिक्चर्स पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक किया, और आप यहाँ पे कोने में यूट्यूब पर साइन भी लगा सकते हैं और अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और इमेज ऐड करनी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है लेयर पे, और आपको सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट लेनी है, जो उनसे भी लगाना है आपको। ये है सब्सक्राइब नाउ पे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और इसे बड़ा छोटा जानते ये कैसे करते हैं।
अब आपको यहाँ पे इसे देख सकते हैं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कट करने का ऑप्शन आ रहा है, और आप इसे घुमा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैं घुमा के दिखाता हूँ, तो ये देखो रूटेड हो रहा है आपका, देख सकते हैं आप जैसे चाहे घुमा सकते हैं आप। ये है आपका, और आपको मैं और सेटिंग दिखा देता हूँ इसके, और फंक्शन दिखा देता हूँ आपको सिंपली। और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। अब आपको इसमें और लेयर में आपको और ऑप्शन दिखेंगे, एक टेक्स्ट का दिखेगा आपको सिंपली, अगर कुछ लिखना हो आपका यूट्यूब चैनल का नाम, तो मैं सिंपली अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ और ओके पे क्लिक करके। तो अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वाइट में है, तो मैं अभी इसका रंग चेंज करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे दिखेगा आपको। तो मैंने ये क्लिक करके, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस पर वाइट को हटा के रेड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अब मैंने रंग चेंज कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा वाइट था और टेक्स्ट भी वाइट था, इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहा था। तो अब आपको यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर करना है ब्लैक से, तो आपको नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लू, आपको इस पर क्लिक कर देना है, एवल कर देना है। अब आपको यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करके, अब आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा आपको, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जितना आप चाहे बॉर्डर कर सकते हैं ब्लैक से, तो आप कोई सा भी रंग ले सकते हैं, तो मैं ग्रीन लेके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं, और आपको और ऑप्शन भी है इस पर। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी शेडो भी आएगी, परछाई भी आएगी, तो आप देख सकते हैं जितना चाहे आप परछाई ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिख रहा है इसमें आपको परछाई। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस फोटो पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे। अब आप देख सकते हैं इसमें जितना चाहे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का भी कलर है, इसे अवेल कर लें। तो आप यहाँ पे वाइट वाइट नहीं, आपको मैं ब्लैक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा आप चाहें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फुल में करना चाहते हैं या हाफ में, आप देख सकते हैं जैसे ही आप ऑन कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क दिख रहा है। अब आपको मैं एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, अगर आपको टेक्स्ट का जो स्टाइल स्टाइल चेंज करना है फॉन्ट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे हैं। अगर आपको डाउनलोड करना हो और स्टाइलिश टेक्स्ट, तो आपको सिंपली इस पे शॉप पे क्लिक कर देना है। तो आप डाउनलोड नेट ऑन करने के बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सिंपली। तो मैं कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन चेंज हो गया पहले से, और आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ गलत हो जाए या आपसे गलत टाइपिंग हो जाए, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और बाकी आपको देख सकते हैं, अब आप लोग को लास्ट ऑप्शन दिखेगा हैंड राइटिंग। आपको ये इसका कोई काम नहीं होता है, सिंपली ऐसे ही होता है, तो आपको सिंपली से छोड़ देना है, कुछ काम नहीं होता, बस ऐसे ही लिख। इससे अच्छा तो लिखने के लिए होता है टेक्स्ट बॉक्स, इससे अच्छा तो आपको हैंड राइटिंग से अच्छा टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, आपको सिंपली इसमें टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब आपका पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आपकी पूरी वीडियो बन गई है। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबका अलग अलग होता है, यहाँ पे आपको तीसरी यहाँ पे पट्टी होती है, या फिर आपको यहाँ पे कोने में दिखेगा। तो मैं सिंपली आपको कोने में है मेरा, तो मैंने सिंपली कोने पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, आपको कितनी क्वालिटी में बनाना है, अगर 1440 में आपको बनाना है, या 1080 में भी है, या 720p में, जितना आप चाहे हाई क्वालिटी में भी बना सकते हैं और जितना वो। अब आपको यहाँ पे अबाउट में आपको साइज़ भी दिखेगा कितनी एमबी का आप बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से भी कम की है, तो इसलिए ज़्यादा साइज़ बता नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे लो पे लेके आ रहा हूँ, वैसे वैसे एमबी कम हो रही है, और जैसे जैसे हाई हाई पे ले जा रहा हूँ, वैसे वैसे एमबी ज़्यादा हो रही है। और आपको यहाँ पे भी इस पर, तो आपको 30 सेलेक्ट कर देना, अगर आपको यहाँ पे 60 दिख रहा है तो आपको 60 पे सेलेक्ट कर देना। तो मैं लो क्वालिटी में करके आपको लो क्वालिटी में दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। तो आप, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी। अगर आपको बाई चांस कुछ रह गया एडिटिंग करने के लिए, आपको सिंपली कैंसिल पे क्लिक करना है, और कट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी रह गया आपको फिर से सही कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा सेव करके आपको वीडियो चलती हुई दिखा देता हूँ। तो मैंने 1 MB का करके साइज सेव कर देता हूँ, फिर आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अब मेरा सेव ही हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐसे बन के आ जाएगा, अब आपकी ये जो फोटो है, ये वीडियो है जो, वो आपको गैलरी में भी चले जाएगी। तो मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ से रिकॉर्डर से। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो इससे भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, और अपने यूट्यूब वीडियो में अपलोड करके आपको यूट्यूब से अपने पैसे भी कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सा भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।